जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है करम अली और आज की ये पहली वीडियो है मेरी यूट्यूब पर जिसको बनाने के लिए आ चुका हूँ मैं अपनी छत के ऊपर। सोच तो मैं बड़े अरसे से रहा था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, कुछ वीडियोस बनाऊँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी मिल रही जिसके लिए मैं यूट्यूब पर काम करता। तो अब आके मुझे मिली है एक छोटी सी चीज़ जिसके लिए मैंने लिए नन्हे मुन्ने चूज़े अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास है नन्हे मुन्ने चूज़े, ये कुछ यहाँ पर है मेरे पास चूज़े। दोस्तों ये मेरे पास है टोटल 35 चूज़े जो मैंने लिए हैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के लिए और कुछ सीखने के लिए। ये मेरे पास है, ये दिखाता हूँ, ये है एक, ये देसी मुर्गी भाग गई है वो देखें, ये मेरे पास है देसी 3 मुर्गियाँ, ये देखें। इसके अलावा इनमें शामिल है 2 सील चूज़े, एक तो ये है बहुत ही प्यारे, ये इधर आ, ये 2 चूज़े हैं असील मुर्गी के, बहुत ही प्यारे हैं। ओ इधर मेरे पास ये देखें, उसके अलावा ये दूसरे हैं फार्मी चूज़े जो होते हैं ना, ये 4 वाले चूज़े हैं, इनकी भी तादाद काफ़ी है माशाल्लाह। और ये देसी इनमें मेरे पास 3 है बस, मज़ीद इंशाल्लाह ज़्यादा लेता रहूँगा, मज़ीद करता रहूँगा। और ये एक चूज़े को मैंने अलग से बंद किया हुआ है, इसके पाँव पे ज़ख़म हुआ है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें इसके एक पाँव पे ज़ख़म हो गया है, ये देखें। इसको अगर दूसरे चूज़ों में छोड़ता हूँ ना तो वो इसको चूंच मारते हैं, इसलिए मुझे इसको अलग बंद करके अलग खाना पीने का जो दाना होता है वो दे रहा हूँ इनको अलग से, ये देखें। इंशाल्लाह मज़ीद इससे अच्छी अच्छी वीडियोस बनेंगी, ये तो आज की पहली वीडियो है। ये देखिए ये है देसी मुर्गी चूज़े हैं, अभी ये छोटे हैं, मुकम्मल मुर्गी नहीं है ये, इंशाल्लाह 2-3 महीनों के अंदर ये बड़ी बड़ी मुर्गियाँ बन जाएंगी। तो रोज़ इनके बारे में आपको मैं कुछ ना कुछ दिखाता जाऊँगा, वीडियोस कुछ नई नई मालूम देता रहूँगा। ये देखें इसके अलावा फार्मी में मेरे पास और भी हैं 3, वो बड़े बड़े हो गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो इधर ही कहीं भागते होंगे। इसके अलावा मैंने लगाए हैं अपनी छत पर कुछ पौधे, ये देखें बोतलों में काट के मैंने लगाया, ये है धनिया लगाया इधर हमने अपनी छत के ऊपर, ये भी देखें, ये अभी कुछ दिन पहले लगाया, इनके पत्ते निकल आए हैं, हल्की हल्की पत्तियाँ सी आ गई हैं बाहर, तो इंशाल्लाह रोज़ के रोज़ मैं आपको दिखाता चाहूँगा जैसे जैसे पत्तियाँ। ये लगाया बैंगन, ये बैंगन का पौधा है, ये भी माशाल्लाह देखें कितना बड़ा हो गया, बाहर निकल आया, इधर भी बैंगन ही है। और ये लगाया हमने माश की दाल, ये भी कुछ दिन पहले लगाई थी, तो अब माशाल्लाह काफ़ी पत्तियाँ इनके बाहर आ गई हैं, काफ़ी फूल आ गए भाई। और इसके अलावा आलू भी लगाए हैं मैंने, ये है आलू के पौधे छोटे छोटे से, ये आलू के हैं, ये भी इंशाल्लाह चंद दिनों में इनके भी सही से पत्तियाँ बाहर आ जाएंगे। इनको मज़ीद जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। और ये हैं हमारे चूज़े, परसों हमारे चूज़ों के खाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इनसे खाया नहीं था जा रहा, इनके यहाँ गर्दन में ना सारा दाना फंस ही जा रहा था, जो खाते थे यहाँ गर्दन में, ये अभी भी इनके यहाँ हल्का सा है, पहले बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मुझे किसी ने बताया कि इनको ना गुड़ जो होता है गुड़, उसकी गोलियाँ सी बनाओ छोटी छोटी बरीक बरीक, वो इनको दो, इनको फिर खाने में दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने वो गुड़ की गोलियाँ बना के इनको खिलाई,
उसके बाद ये अब माशाल्लाह से ठीक है, इनकी ये गर्दन नरम हो गई है, इनका खाने पीने की जो रूटीन है वो भी ठीक हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा आके और तावन करिएगा। मज़ीद इंशाल्लाह जैसे जैसे बेहतर होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा, या फिर इनको बनाऊँगा मैं इधर बड़ा सा पिंजरा, वो भी इंशाल्लाह एक दो दिन में बन जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये ज़्यादा बड़ा हो गया फार्मी चूज़ा, ये देखें ये भी इतना ही था छोटा सा, नन्ना था लेके पाला था, ये एक महीने में इतना बड़ा हो गया। इसके साथ के दो हैं वो भी इधर ही कहीं भागे हैं, इनके लिए ये मैंने पानी रखा था छत पर, ये पानी, फिर इनके लिए दाना शाना यहाँ रख देता हूँ, खाते रहते हैं। ये जो देसी मुर्गी है ना, देसी चूज़े, ये मेरे पास थे चार, एक तो जो जब लेके आया था उसी रात में वो एक तो मर गया था, वो बचा ही नहीं था, तो वो जिससे खरीद के लाया था उसने बीमार दिया था। अब ये माशाल्लाह तंदुरुस्त है, ये ठीक भाग रहे हैं, और ये देखें कैसे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ये डब्बों में फ़िलहाल इनको मैं बंद करके रखता हूँ रात को, ताकि इनको सर्दी भी ना लगे, इनको नीचे अपने कमरे में रखता हूँ कि इनको सर्दी ना लगे। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह एक आधे दिन में यहाँ पर पिंजरा बन जाएगा इनका, उसके बाद ये उसमें शिफ्ट कर दूँगा। ये देखें कि कैसे इकट्ठे घूम रहे सब, ये हमारे पौधे भी, ओए ये देखें ये ऐसे करते हैं, ये पहले भी एक दो बार इनने ऐसे किया, हमारे पौधों को ख़राब करते हैं। ये देखें हमारे चीज़ें, जी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक भी करिएगा, इसको आगे शेयर भी करिएगा, जैसे जैसे मज़ीद आगे वीडियो बनाते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। तो आज की मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसी चैनल पर, अल्लाह हाफिज़।